आज कंस स्वयं व्रत को चला रहा है, स्वयं प्रदीप भैया। जिस अपनी बहन देवकी को इतने हर्ष और उल्लास के साथ में विदा कर रहा है, उसका आठवां पुत्र तेरा काल होगा काल। अपनी बहन देवकी को हर्ष उल्लास के साथ में विदा कर रहा है, उसका आठवां पुत्र होगा, वो तेरा काल हो जाएगा। जिस समय ये शब्द सुने कंसराज ने रथ को रोक दिया और ये